हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। मेरा नाम गणेश नायक है और आज मैं एक क्विक सेशन कर रहा हूं ऑन क्वेरीज दैट आई गेट रिलेटेड टू द एग्जाम्स। एफआरएम एग्जाम के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि एफआरएम देने के बाद, क्लियर करने के बाद जब हम जॉब एक्सपेक्ट करें तो क्या कोई मिनिमम सैलरी मुझे एक्सपेक्ट करनी चाहिए, या फिर इंडस्ट्री में जाते वक्त एफआरएम कैंडिडेट्स को क्या कोई मिनिमम सैलरी मिलती है। ओके, सो वो पर्सपेक्टिव से उस क्वेश्चन को मैं आंसर करने की आज कोशिश करूंगा और मैं अपने एक्सपीरियंस से, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से बात करूंगा कि कैसे मैंने देखा है लोगों को जॉब लगते हुए। ओके, और इतने साल से जब मैं ट्रेनिंग करा रहा हूं तो मेरे जो स्टूडेंट्स उनके जॉब लगे हैं उनके एक्सपीरियंस से मैं बात करूंगा। सबसे पहले, इफ यू आर अ फ्रेशर, अगर आपने कोई काम नहीं किया, आप अभी भी कॉलेज ग्रेजुएट हो, आपने शायद कॉलेज के बाद गैप लिया है पढ़ने के लिए और आपने एफआरएम कंप्लीट किया, ओके, तो जनरली इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री आपको फ्रेशर ही ट्रीट करती है। लेकिन सिंस यू हैव एन एफआरएम एक्सपीरियंस, आपको नॉर्मल फ्रेशर से स्लाइटली बेटर पैकेज मिलेगा। अगर आप इंडियन कंपनी में हो तो इट वुड रेंज बिटवीन 3.54 के आसपास रेंज करेगा। अगर आप कोई एमएनसी या ग्लोबल बैंक लाइक जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, सिटी बैंक, बार्कलेज, ऐसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स या फर्म्स में काम करोगे तो जनरली आपको दिखेगा कि एक फ्रेशर को पैकेज जो लगता है वो अराउंड 4 to 7 lakhs के बीच में लगता है और उनकी जो हायरिंग होती है वो जनरली एनालिस्ट या सीनियर एनालिस्ट लेवल पे होती है। सीनियर एनालिस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, जनरली एनालिस्ट लेवल पे ही उनको लिया जाता है बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस एंड एज दे ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन उनका एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको ग्रोथ मिलता है। ओके, अगर आप सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो सपोज अगर आपने ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर लिया है, ओके, आप ऑलरेडी 3 साल 4 साल काम कर चुके हो तो आपकी सैलरी का रेंज क्या होता है इफ यू आर एन एफआरएम। ओके, सो एफआरएम स्टूडेंट्स को जो मैंने देखा है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस था उनकी सैलरी का रेंज ऑन एन एवरेज 9 to 12 lakhs के रेंज में काम करता है। देर हैव बीन फ्यू स्टूडेंट्स जिनको 8 lakhs भी लग चुका है बट क्योंकि उनका प्रीवियस सैलरी पैकेज वॉज वेरी लो। तो अगर आप सपोज 3-4 साल के एक्सपीरियंस में आप काम कर रहे हो और आपके आपके आपका जो सैलरी है वो 5 lakhs ही है तो कंपनी आपके पास एफआरएम होने के बावजूद भी आपको डायरेक्टली 10 lakh 12 lakhs में नहीं लेके जा पाएगी। ओके, दे विल आइडियली टेक यू टुवर्ड्स 8-8.5 lakh विच इज मोर देन 40% हाइक। ओके, सो इंडस्ट्री एफआरएम्स को रिकॉग्नाइज करती है। ओके, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ऑन एन एवरेज 9 to 12 lakhs, अगर आप फ्रेशर हो तो बिटवीन 3 to 5 to 7 lakhs के रेंज में आप रहोगे। ओके, इफ यू लुक एट FRM candidates going out of India, okay? So I had seen my students getting jobs in Dubai, okay, which with a range of experience around 5, 4, 5, 6 years, and they have got a salary package of around monthly on an average 17,000 to 22,000 dirham on a monthly basis. That is roughly around 4 lakh rupees per month. Okay, similarly, I have also seen students getting jobs in US मार्केट, ओके, जहाँ पे भी ऑन एन एवरेज जो पैकेज लगता है वो पैकेज ऑन एन एनुअल बेसिस अराउंड 90,000 to 90,000 USD के हिसाब से लगता है विद सम एक्सपीरियंस। आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे लगता है। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट सिटिंग इन इंडिया एंड इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर FRM, इफ यू प्लानिंग फॉर गो फॉर FRM, और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आप क्या बाहर जा सकते हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई विद सम एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड देन यू शुड ट्राई गोइंग आउट ऑफ इंडिया एंड यू कैन लेवरेज योर ग्लोबल सर्टिफिकेशन ओवर देयर मेनी मोर टाइम्स। ओके, इंडिया में भी FRM की रिक्वायरमेंट्स है, सर्टिफिकेशन को बहुत ज्यादा रिकग्निशन भी है, बट सैलरी पैकेज एज पर इंडियन रुपीज जनरली आपका स्टार्टिंग पैकेज वुड बी अराउंड 9 to 12 lakhs इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। और ग्रोथ जो है आपको रोल्स के रूप में ग्रोथ बहुत ज्यादा मिलती है अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो विद FRM सर्टिफिकेशन, लाइक आपको मार्केट रिस्क रोल्स में मिलेगा अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेस टेस्टिंग, मॉडल वैलिडेशन, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड रोल्स, ट्रेजरी के मिडल ऑफिस रोल्स मिलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, फिर कंप्लायंस के ऑफिस में काम मिलता है, डेटा रिलेटेड सिक्योरिटी के वर्क में भी मिलता है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड पार्ट में मिलता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स भी मिलते हैं, ऑडिट रिलेटेड रोल्स भी मिलते हैं, प्रोसेस एश्योरेंस रिलेटेड रोल्स मिलते हैं। सो काम बहुत ज्यादा है। तो फॉर स्टूडेंट मिनिमम सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, विद रिस्पेक्ट टू वर्क प्रोफाइल भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अवेलेबल है इन इंडिया ऑल्सो। आई होप दिस वीडियो इज एबल टू हेल्प फ्यू ऑफ योर क्वेरीज। मैं और भी ऐसे वीडियोज, स्मॉल वीडियोज ऑन द क्वेरीज और द क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं उसके ऊपर रखूंगा इन फ्यूचर। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।